The man with a chisel in his hand is Rajendra Singh Dhami, former captain of India's wheelchair cricket team. रोड़ी फोड़नी पड़ रही है और मनरेगा के अंदर मुझे काम करना पड़ रहा है, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी एजुकेशन के हिसाब से हमें कुछ न कुछ रोजगार दिया जाए। He has been forced into taking up a menial job due to the COVID pandemic. He says his appeals to the government for a suitable job have fallen on deaf ears. मैं सरकार से कई बार कह चुका हूँ और आज आपके सामने ये कोरोना काल में काफ़ी कठिन परिस्थितियों का परेशानी करते हुए मैं आज मुझे मजबूर होना पड़ा है कि मैं आज अपना जीवन यापन करने के लिए या अपना परिवार को पालने के लिए मुझे मनरेगा में काम करके रोड़ी फोड़नी पड़ रही है, पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं। जो भी बैठे बैठे मैं काम कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर कहीं से भी कुछ अगर सहयोग हो सके या सरकार के माध्यम से, मुझे सबसे पहले मेरी प्राथमिकता तो यही है कि मुझे जॉब चाहिए, जो मेरी योग्यता के अनुसार मुझे नौकरी की आवश्यकता है। Dhami, who is 90% disabled, has won several accolades for his on-field performances, and the district administration has now stepped in to help. Rajendra Dhami जो हैं हमारे कलनशिना विकास खंड के निवासी हैं, वर्तमान में वो जो है दिव्यांग क्रिकेट टीम के इसमें सहभागी भी रहे थे, प्रतिभाग भी किया था उन्होंने, और वर्तमान में उनकी आर्थिक स्थिति जो है काफी स्थिति खराब प्रतीत हो रहा है। इसकी सूचना हमें वर्तमान पत्र से जानकारी प्राप्त हुआ है और इसमें हम लोगों ने जिला क्रेडिट अधिकारी को अनुरोध किया है कि इनको तत्कालिक सहायता के रूप में कुछ राहत राशि उपलब्ध करा दिया जाए जिला प्रोत्साहन समिति के माध्यम से, और उनको जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए GMDIC जो है जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल योजना या अन्य होम स्टेज की जो योजना है उनसे उनको जोड़ने के लिए कार्रवाई करेंगे ताकि उनको भविष्य के लिए स्वरोजगार के माध्यम से उनका जीवन यापन सुचारू हो सके। From representing India in the cricket field to breaking stones with a chisel, the COVID pandemic has hit Dhami hard. The onus now lies on the government to provide aid to the former captain of the national wheelchair cricket team.